बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। एक न्यू एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जा रहे हैं बरीर कैलाश वैली की तरफ, इंतहाई खूबसूरत व्यू दरियाए चित्राल का। तो नाज़रीन, हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि हमें पीछे से हिदायत हुई थी कि इस पुल से सिर्फ एक गाड़ी क्रॉस कर सकती है एट अ टाइम, क्योंकि इस पुल की बियरिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि दो गाड़ियां एक साथ क्रॉस कर सकें। तो नाज़रीन, आप जब भी आएँ तो एहतियाती तदाबीर को ज़रूर फॉलो करें ताकि आप किसी भी हादसात से बच सकें। कैलाश वैली, जिसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है, कि इर्द गिर्द हिंदूकश माउंटेन रेंज है। यहाँ के वासियों को कैलाशी कहा जाता है, जो अपने यूनिक कल्चर की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं। कैलाश वैली तीन बड़ी वैलीज पर मुश्तमिल है, जिनमें बम्बू रेत वैली है, कुनार वैली और बरीर वैली है। ये लकड़ से बना हुआ एक और खूबसूरत पुल जिससे हम अभी क्रॉस हो रहे हैं। अच्छा, गाड़ी रुकी, आगे कोई बंदा है शायद। जी, बंदा है, उसके साथ दो गद्दे और उसने उन पर लकड़ लादी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के बिल्कुल बीच से रोड निकाली गई है, तो लैंडस्लाइडिंग तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा। और अगर बात की जाए तो जितना ये ट्रैक खूबसूरत है उतना ही ख़तरनाक है। तो आप जब भी आएँ तो 4x4 गाड़ी का इस्तेमाल करें, क्योंकि 4x2 व्हीकल्स पर तो आपको मुश्किल हो जानी है, क्योंकि यहाँ का जो इस रास्ते में काफ़ी पत्थर और बहुत सारी चौड़ाइयाँ हैं। चित्राल सिटी से बरीर वैली तक का सफ़र तकरीबन 1.5 घंटे का है, जिसमें मेट्रो रोड, वो पहला पुल जो मैं आपको दिखा रहा था, उधर ही तक है। वहाँ से आगे सारी कच्ची रोड है, चौड़ाइयाँ, पथरीला रास्ता। काफ़ी एडवेंचरस सफ़र है ये चित्राल सिटी से बरीर वैली। तो नाज़रीन, इस वक्त हम बरीर वैली में इंटर हो रहे हैं। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं यहाँ के लोगों का रहन सहन, कल्चर और मुख्तलिफ एस्पेक्ट जो हम दिखा सकें। तो व्यूवर्स, ये थे बरीर वैली के खूबसूरत और दिलकश नज़ारे। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैलाश कम्युनिटी का ग्रेवयार्ड और कैलाशियों का कल्चरल डांस। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये मडजाओ ग्रेवयार्ड है, ये कैलाश तहजीब का कब्रिस्तान है। यहाँ पर ये अपने मुर्दों को ला कर दफन करते हैं और अपने मुर्दों को ये नहायत खुश खुरम अंदाज में ला के दफन करते हैं। और इनका एक त्यौहार होता है, मंडी को से बोलते हैं, जब भी मुर्दा मर जाता है। ये उनके ताबूत हैं, ये पुराने ज़माने के। और जिस चारपाई पे ये मुर्दा, इनका बंदा मर जाता है, तो वो चारपाई समेत ला के इसके ऊपर रख देते हैं ताबूत को, ताबूत को दफना देते हैं।
तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा। नाज़रीन, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वाइल्ड लेंस बाय टू स्पार्क्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।